हेलो बच्चों, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस की। तो हम तीन तरह की मोशंस की बात करेंगे। वन विल बी योर पीरियोडिक मोशन, देन विल टॉक अबाउट ऑसिलेटरी, और फिर हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसको हम SHM भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक की। बच्चों, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जिसमें आपका पार्टिकल एक डेफिनेट पाथ के अलोंग मूव करता है और उसकी जो मोशन होती है वो पीरियोडिक होती है, मतलब इट कम्प्लीट्स, इट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसी मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि हमारी अर्थ है विच रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, रोटेट करती है इन 24 आवर्स। तो हमारी जो अर्थ है उसकी मोशन, रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज अ पीरियोडिक मोशन। और अगर हम बात करें हमारी जो अर्थ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन से 365 डेज, तो वो भी मोशन क्या हो जाएगी? पीरियोडिक हो जाएगी। या आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक पेंडुलम है जो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, पर उसकी जो वो एक ओसिलेशन कंप्लीट करता है इन सम डेफिनेट टाइम, तो उसकी मोशन भी पीरियोडिक हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो ये मोशंस आपकी पीरियोडिक हो गई। ऑसिलेटरी मोशन होती हैं जब आपका पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करता है। तो यहां पर टू एंड फ्रो मोशन होता है, और इस केस में आप एग्जांपल ले सकते हैं एक पेंडुलम का जो कि इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। ओके, आप ले सकते हैं एग्जांपल एक ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम का। अगर इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो जो मास होगा वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो दीज आर कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और अगर आपकी ऑसिलेटरी मोशन की एनर्जी कंजर्व रहती है, तो उस केस में आपकी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक भी होती है। सो इफ एनर्जी इज कंजर्व, देन मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक। क्लियर? SHM क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस केस में आपका पार्टिकल टू एंड फ्रो ही करता है, बट इस केस में उसकी एनर्जी कंजर्व होती है, और इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर की बात करते हैं। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर के केस में अगर हम लीनियर की बात करें, तो यहां पर टू एंड फ्रो मोशन होगा, और यहाँ पे हम कुछ पोजीशंस डिफाइन करते हैं। मान लो कि मैंने तीन पोजीशंस डिफाइन करी हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इनको बोल देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, तो आपका जो पार्टिकल है वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से फिर मेन, मेन से फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर मेन। तो इस तरह से वो ऑसिलेट कर रहा है विद इन दीज पोजीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि आपकी एक्सट्रीम और मेन पोजीशन फिक्स हो जाती है। दूसरा, हमारा जो पार्टिकल सपोज यहां पर है, तो हमेशा इसके ऊपर एक फोर्स लगती है विच इज ऑलवेज directed towards the mean position. तो ये जो force होती है इसको restoring force बोलते हैं, and the restoring force always directed towards mean position. तो सबसे पहली condition, जो F restoring है always directs towards mean position. दूसरी condition, आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो मान लो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी एक्स है, तो यहां पर आपका जो एफ आर होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आप देख सकते हैं कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। अगर पार्टिकल आपका यहां पर होता तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव हो जाती और आपकी रिस्टोरिंग फोर्स राइट डायरेक्शन में हो जाती towards the main position. तो यहां पर
जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर एफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ओके। और यहाँ पर हम एफ को लिख सकते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस के बाय एम एक्स। और यहाँ पर जो माइनस के बाय एम है दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो आप एक्सेलरेशन, अगर आपकी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं कि आपका जो पोजीशन होती है उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमें लीनियर SHM में एक चीज़ पता चल गई है कि आपका जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख सकते हैं द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे हमारा जो ओमेगा है दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, वेर एम इज द मास एंड के इज द फोर्स कॉन्स्टेंट। तो इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन आता है एक्स सम हार्मोनिक फंक्शन समथिंग लाइक दिस, साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर जो ए है ए इज डिफाइंड एज, अब वन बाय वन को देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमें। तो x आपको पता है x इज द पोजिशन, इंस्टेंटेनियस पोजिशन। तो x हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। और ये पोजिशन हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम द मेन पोजिशन। यहां पर a जो है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन टू ईदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन और मेन पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और यहां पर जो ओमेगा है दैट इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हुई है। तो अगर आपको दिया हुआ है कि म्यू जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी 2π न्यू। और हमें पता है कि जो न्यू होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड अगर टी ले लें तो ये बन जाएगा 2π/T, या आप कह सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। तो अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है किसी SHM की, तो उस केस में हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर दैट। तो ओमेगा हमको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए इस पूरी टर्म को क्या बोलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको बोलते हैं फेज। और जो ये फेज होता है ये बताता है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, उसकी उसकी स्टेट क्या है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, वो सब चीजें क्या बताता है, फेज बताता है। तो इट टेल्स अबाउट स्टेट ऑफ पार्टिकल लाइक पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। और यहां पर जो फाई है, फाई क्या है, फाई टेल्स यू द इनिशियल स्टेट ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल का मतलब पार्टिकल SHM करना कहां से शुरू कर रहा है, इनिशियल स्टेट ऑफ द पार्टिकल। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फाई का, तो ये हमारी लाइन ऑफ मोशन है जिसमें पार्टिकल हमारा SHM कर रहा है। दिस इज योर मेन पोजीशन, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, और ये आपकी ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल यहाँ पर है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये है, तो इस केस में जो फाई होगा दैट विल बी ज़ीरो, ओके। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुँचा, अगर यहाँ से शुरू कर रहा है, तो उस केस में जो फाई होगा दैट विल बी π/2। अगर पार्टिकल यहां पर है और
इनिशियली आपको ये दिया हुआ है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है और वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो इस केस में जो फाई होगा दैट विल बी पाई, और जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उस केस में जो फाई होगा दैट विल बी योर 3π/2। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर हम यहां से इक्वेशन की बात करें तो इफ फाई इज जीरो देन एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, इफ फाई इज पाई बाय टू देन एक्स इज ए कोस ओमेगा टी, इफ फाई इज पाई देन एक्स इज माइनस ए साइन ओमेगा टी, इफ फाई इज 3π/2 देन एक्स इज माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कहां से पार्टिकल इनिशियली पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है। तो ये तो हो गया पोजीशन के बारे में, एक्स के बारे में। सिमिलरली हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बाय डिफरेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो मैं यहां पर करके दिखा देता हूं। तो यहां से अगर हम वेलोसिटी की बात करें दैट विल बी, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ, सो दैट इज योर वेलोसिटी। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। तो ये टर्म आप देख सकते हैं कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ आपका एक्स है, तो यहां से आपको यही चीज मिल गई, ए माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो इस तरह से एक्सलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर SHM हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अगर आपको निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन तो उसमें क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं? तो जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए आपको पता है दैट इज द एम्पलीट्यूड, एक्स इज द इंस्टेंटेनियस पोजिशन, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं पार्टिकल की। तो पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पर होती है, तो वी मैक्स जो होता है वो आपका ए ओमेगा के बराबर होता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन जो मैक्स होती है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड होता है एम ए ओमेगा स्क्वायर, और आपकी जो पोजीशन मैक्सिमम है वो तो आपको पता ही है, वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पार्टिकल जो एक्सट्रीम पोजिशन पर होता है उसकी वेलोसिटी होती है जीरो। तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है, मैं अगर दिखाऊं एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन, तो यहां पर आपकी एक्सेलरेशन होगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और आपकी वेलोसिटी होगी जीरो, पोजीशन होगी कैपिटल ए। यहां पर आपकी एक्सेलरेशन होगी जीरो, वेलोसिटी होगी आपकी ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। यहां पे ए ओमेगा होगी, पोजीशन आपकी जीरो है, और यहां पर आपकी एक्सेलरेशन, हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, यहां डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं मैं। तो यहां पर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो है ए ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी आपकी जीरो है, पोजीशन आपकी माइनस ए है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, या आप कह सकते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम होती है। मेन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और मेन पोजीशन पर हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसी तरह से अब हम बात करें अगर एनर्जी की, तो एनर्जी ऑफ एन SHM, तो सबसे पहले अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की अगर वो कहां पर है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर है, मतलब कोई एक्स पोजीशन पर है, तो उस केस में वेलोसिटी हमको पता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर टाइम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की,
अब हमें पता है कि यहाँ पर आपके एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टाइप्स है, तो हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स के जैसी दिख रही है यहाँ पर, तो स्प्रिंग फोर्स के केस में हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के। तो हमें पता है कि ओमेगा जो होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, तो यहाँ से के जो होगा दैट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दैट इज के इंटू योर पोजिशन जो है एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब आप देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी अगर हम पोजिशन लेते हैं उस केस में अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इन दोनों को ऐड करने पर, तो हमें मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है एस एच एम की वो कंजर्वड रहती है एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एस एच एम। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एनर्जी दिखाऊं और ये आपकी पोजीशन है, तो यहाँ पर मेन पोजीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और एक्सट्रीम पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, और दोनों का जो एडिशन होगा एट एनी पोजीशन, इन दोनों का जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू योर मैकेनिकल एनर्जी, तो ये आपकी है मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह से हम एनर्जी को दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लीनियर एस एच एम के बारे में। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द ग्राफ, तो अगर हमारे पास है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो उसका ग्राफ आप सभी को पता है कि बना सकते हैं, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये आपका हो गया a, यहाँ पर आपका है x, ये हो गया आपका टाइम, तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। और अगर हमसे बनाना है वेलोसिटी का, तो इसके केस में वेलोसिटी हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, तो यहाँ से शुरू करेगा, इस तरह से, और ये जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर ए ओमेगा, और यहाँ पर ये आपकी वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है। सिमिलरली अगर आपको एक्सेलरेशन बनाना है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो इस केस में आप देख सकते हैं माइनस का साइन है तो ये इस तरह से बनेगा उल्टा, ओके। सो ये जो वैल्यू है दैट इज माइनस a omega square and this is your acceleration and this is your time। तो इस तरह से हम ग्राफ्स बना सकते हैं और हमको पता चल गया कि जो एनर्जी होती है हमारे SHM की वो कंजर्व रहती है और उसकी वैल्यू क्या है, हाफ m omega square a square where m omega square is equals to k, तो m omega square हमारा k के बराबर है, क्लियर। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे एक बेसिक केस देखते हैं कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है इस तरह से और यहाँ पर एक ब्लॉक कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और यहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी टू पाई अंडर रूट एम बाय के। तो यहाँ पर मैंने टू पाई बाय ओमेगा लगाया है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपके किसके बराबर है, अंडर रूट के बाय एम के बराबर है, यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज अंडर रूट k by m, तो टाइम पीरियड विल बी दिस, बिकॉज टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर आपके पास इस तरह से सिस्टम है, आपका जो मास है वो भी इक्विलिब्रियम में है और यहां पे आपकी जो इलोंगेशन है वो है आपकी mg by k, तो कैसे निकाल सकते हैं mg by k, mg वेट, अगर इसका एबीडी बनाएंगे तो mg इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट, तो जो इलोंगेशन होगा दैट विल बी एम जी बाय के। तो अब अगर हम इसको फर्दर डिस्प्लेस करेंगे, मान लो कि मैंने इसको फर्दर डिस्प्लेस किया बाय अ डिस्टेंस एक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा देखो, तो जैसे ही मैंने इसको नीचे डिस्प्लेस किया एक्स, तो इसके ऊपर एक ऊपर फोर्स लग रहा है कितना, के आपका एम जी बाय के प्लस एक्स, और एक नीचे फोर्स है mg,
तो यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा टूवर्ड्स द मेन पोजिशन वो क्या हो जाएगा, माइनस ये फोर्स दैट इज के एम जी बाय के प्लस एक्स माइनस एम जी। तो आप देख सकते हैं ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी तो हमको मिलेगा माइनस के एक्स। तो अगेन आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस के एक्स के बराबर है, तो यहां पर भी आपका जो टाइम पीरियड है वो सेम यही वाला आएगा। तो इस केस में क्या होता है, जब आप एक ब्लॉक को हैंग करते हैं तो उसकी जो मेन पोजिशन है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इसकी मेन पोजिशन क्या होगी, जब आपका स्प्रिंग जो है वो इलोंगेटेड है बाय एम जी बाय के, तो दैट विल बी द मेन पोजिशन। तो ये क्या हो गया, मेन पोजिशन। इस केस में आपकी मेन पोजिशन कौन सी थी, जब आपका स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, तो ये इसकी मेन पोजिशन थी। और अगर हम बात करें इस तरह के केसेस की, सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग ये रहा, दूसरा स्प्रिंग ये रहा, और यहां पर एक ब्लॉक है M, तो आपको बताना है कि अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, ये K1 है ये K2 है, तो उस केस में आपका जो ब्लॉक है वो जो SHM करेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इन दो स्प्रिंग्स को रिप्लेस करो एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग के। अगर दो स्प्रिंग्स आपके पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो आपको पता है कि इनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो होता है इनके सम के बराबर। तो के इक्विवेलेंट विल बी K1 प्लस K2, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 2π अंडर रूट के एम बाय K1 प्लस K2। सिमिलरली अगर हमारे पास स्प्रिंग सीरीज में है इस तरह से और यहाँ पर M है, यहाँ पे जो भी सर्फेसिस हम ले रहे हैं वो फ्रिक्शन लेस हैं बिकॉज हमारी जो एनर्जी होती है SHM की वो कंजर्व होती है, तो आपके सारे सर्फेसिस फ्रिक्शन लेस होंगे। तो अगर ये K1 है ये K2 है, तो इस केस में K इक्विवेलेंट हमने पढ़ा था इट विल बी इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो यहाँ से टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2π अंडर रूट M K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 K2। तो इस तरह से स्प्रिंग वाले केसेस में हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी रैंडम सिस्टम दिया हुआ है, कोई मास है उस पर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं कनेक्टेड है स्प्रिंग्स के साथ, और आपको पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टिकल्स ऑसिलेशन, तो मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो उसको दो तरीके से आप उसमें टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। एक तो होता है हमारा फोर्स मेथड, दूसरा होता है हमारा एनर्जी मेथड। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से दो स्प्रिंग्स हैं जो कि एक ब्लॉक से कनेक्टेड हैं इस तरह से, और ये जो स्प्रिंग्स हैं वो वॉल से कनेक्टेड हैं। इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है K2। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ दिस ब्लॉक। तो आपने क्या करना है, इस ब्लॉक को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करना है। तो मैंने जब इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से और यहां हमने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि आपका जो K1 है स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1 है, उसमें एलोंगेशन हो गया एक्स का, और जो K2 वाला स्प्रिंग कांस्टेंट वाला जो स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन हो गया X का। तो आप कह सकते हैं कि ब्लॉक का अगर हम FBD बनाएं तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में दैट विल बी इक्वल्स टू K1X, और एक फोर्स यहां से लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में दैट इज K2X। तो अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें दैट विल बी टूवर्ड्स द मेन पोजिशन, तो मेन पोजिशन कौन सी है हमारी, ये मेन पोजिशन, सो इट विल बी माइनस K1X प्लस K2X। तो आपने माइनस का साइन लगा देना बिकॉज जो फोर्स है दैट इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हमारे पास आया माइनस K1 K2X। तो रिस्टोरिंग फोर्स मिल गया हमको, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मिल चुका है। तो यहां से आपका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2π अंडर रूट M अपॉन K1 प्लस K2। तो ये तो हो गया हमारा फोर्स मेथड। अगर इसको हमने करना है एनर्जी मेथड से तो वो देखो, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अभी दोनों स्प्रिंग्स आपके नेचुरल लेंथ में, अब हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि यहां पे हमने क्या किया, इसको
जब ये इसकी पोजीशन थी x, मान लेते हैं कि जब ये ब्लॉक था आपका एट अ डिस्टेंस x, इसकी वेलोसिटी थी मान लो v, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। तो यहां पर अगर हम एनर्जी की बात करें, जो आपकी टोटल एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लें, तो क्या क्या एनर्जी है यहां पर, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के वन एक्स स्क्वायर, और इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के टू एक्स स्क्वायर। और हमें पता है कि हमारे जो SHM है उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है, तो एनर्जी कंजर्व रहती है तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो समय के साथ हमारी एनर्जी चेंज नहीं करेगी, तो आपका जो U है दैट इज कॉन्स्टेंट, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये कॉन्स्टेंट है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो U है वो तो हो जाएगा जीरो, तो ये क्या मिला, जीरो। इसको डिफरेंशिएट किया तो हाफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा टू वी डी वी बाई डी टी दैट इज एक्सेलरेशन, प्लस हाफ के वन टू एक्स डी एक्स बाई डी टी दैट इज वी, प्लस हाफ के टू टू एक्स इन टू वी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो v की टर्म है वो हर तरफ आ रही है तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से m टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमको मिला ये m a प्लस के वन प्लस के टू टाइम्स एक्स इक्वल्स टू जीरो। सो यहां से भी आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन हमको मिला है दैट इज माइनस के वन प्लस के टू बाय एम इनटू एक्स, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, और ये जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से भी आपका टाइम पीरियड कितना आएगा, सेम ये आएगा। तो ये दो तरीके हैं बच्चों, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। कई बार ये वाला तरीके से क्वेश्चन करना ईजी होता है, कई बार इसको लगाने से क्वेश्चन हमारा इजी होता है। जो चीज़ें हम ये हम जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे आते हैं SHM के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आगे फर्दर अपनी थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं एंगुलर SHM की। तो एंगुलर SHM में आपका जो पार्टिकल है वो एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर सकता है या सर्कुलर आर्क पे मूव कर सकता है। तो इस तरह से अगर मैं कोई कर्व ले लेता हूँ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गई हमारी दो सपोज एक्सट्रीम पोजीशन और ये बीच वाली आपकी हो गई मीन पोजीशन। तो इस केस में इसको बोल देते हैं थीटा नॉट, थीटा नॉट, ये जो थीटा नॉट है दैट इज योर एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड। जैसे लीनियर SHM में आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है, यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। तो यहाँ पर हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होता है और ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, अगर पार्टिकल आपका यहाँ पर है तो उस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी दिस, ओके, दिस थीटा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये ओमेगा आपको पता है कि दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, मतलब ऑसिलेशन। ओमेगा आपका क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे जैसे हमने देखा था कि इन केस ऑफ अ लीनियर SHM हम फोर्स निकालते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, यहां पर हम निकालेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। तो इसकी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें हमारा पेंडुलम है तो पेंडुलम के केस में हम इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो अगर आपका रिस्टोरिंग टॉर्क डिस्प्लेसमेंट के अगर प्रोपोर्शनल होता है तो उस केस में आपकी जो मोशन होगी वो SHM होगी, उसकी एनर्जी कंजर्व होगी। तो जो SHM में कर सकते हैं सारी चीज़ें आप उसके साथ कर सकते हैं। तो अगर हम पेंडुलम की बात करें तो ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है एंड दिस इज द बॉब, बॉब का मास है एम, दिस एंगल इज थीटा। तो मान लेते हैं मेन पोजीशन से आपने अपने बॉब को लेके चले गए किसी पर्टिकुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर, तो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया थीटा। तो यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जो टॉर्क होगा, देखो ये फोर्स है, इसका
इसके अबाउट अगर टॉर्क निकाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, एल साइन थीटा, सो दिस डिस्टेंस विल बी एल साइन थीटा। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा यहाँ पर हम कह रहे हैं माइनस एम जी एल साइन थीटा, पर अगर आप यहाँ पर देखें जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है ना कि थीटा के प्रोपोर्शनल, पर हमें पता है कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो अगर हम हमारा थीटा इज वेरी स्मॉल तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा को नियरली इक्वल्स टू थीटा। तो यहां पे आपका बन गया रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल थीटा, क्लियर। और जो टॉर्क होता है हमारा दिस टॉर्क, टॉर्क को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू आई अल्फा, तो आई अल्फा क्या हो जाएगा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो टॉर्क को लिख दो आप आई अल्फा, और ये आई कितना है अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दैट इज एम एल स्क्वेयर अल्फा। अब ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल थीटा, तो यहां से एम से एम गया, एक एल से एक एल गया, तो आपको मिला अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस जी बाय एल थीटा। तो इस केस में आपको जो अल्फा है, तो यहां पर हमने देखो क्या लिखा था, यहां पर ओमेगा स्क्वायर लिखा था, ये गलत लिख दिया यहां पर, यहां पे हमारा आना चाहिए था दैट इज नॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आपका ये है, ठीक है, सो दिस वैल्यू इज योर ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर एक्चुअल में अल्फा कर दो, यहां शुड बी अल्फा रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, सो अल्फा कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाय एल, तो ओमेगा आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल, ठीक है। तो यहां से हमें ओमेगा मिल गया, तो ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड हमको मिला टू पाई अंडर रूट एल बाय जी, ठीक है। तो आपका जो टाउ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा यहां पर आ गया, और यहां से हमने देखा कि आपका जो अल्फा है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा, और यहां पर जो साथ में थीटा के लगा हुआ है दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी जी बाय एल, तो ओमेगा आपका ये आ गया, यहां से आपका टाइम पीरियड आ गया। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं अपने सिंपल पेंडुलम का। अब क्वेश्चन आते हैं कई बार, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, सपोज अगर हमारा पेंडुलम है वो एक एक्सेलरेटर में है और ये एक्सेलरेटर ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट, तो इस केस में आपका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको निकालना है जी इफेक्टिव, तो यहां पर आपका जी इफेक्टिव कितना होगा, यहां पर आपका जी इफेक्टिव होगा जी प्लस ए नॉट, तो यहां पे टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, सो दैट विल बी टू पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए नॉट। अगर आपका एक्सेलरेटर नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट, तो यहां पर टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए नॉट, क्लियर। अगर आप किसी कार में जा रहे हैं और उसके सीलिंग के ऊपर आपने एक पेंडुलम को बांध दिया है, तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा अगर वो एसएचएम करता है। तो अगर आपको कुछ इस तरह से दे दिया है कि हमारे पास एक कार है और ये एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, तो ये एंगल मान लो आपका है थीटा, तो सबसे पहले तो थीटा कितना होगा यहाँ पर वो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी, और यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा अगर मैं यहाँ पे इस ग्राउंड के फ्रेम में बात कर रहा हूँ, इस मूविंग कार के फ्रेम में बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एम ए नॉट, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो जी इफेक्टिव है वो क्या हो गया, जी इफेक्टिव विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एम ए नॉट स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, तो यहां से आपको मिला स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो यहां से टाइम पीरियड आपका आ गया टू पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव विल बी
स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इस तरह से कभी भी अगर आपके पास पेंडुलम वाले क्वेश्चन आते हैं और आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में आप इफेक्टिव जी निकाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं यू कैन फाइंड द नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपका टेंशन की बात होती है, टेंशन आपकी क्या होगी, टेंशन आपने निकाली इस केस में, जैसे टेंशन थी कितनी थी एम ए नॉट प्लस जी और इसको डिवाइडेड बाय एम कर दिया, सो दैट विल बी योर इफेक्टिव जी। तो इस तरह से हम इफेक्टिव जी निकाल सकते हैं, तो और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम के केस में हमारे पास कोई बॉडी होगी विच इज पिवोटेड इस तरह से। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, इस पॉइंट से ये पिवोटेड है, ये आपका फिजिकल पेंडुलम है। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अब इस पॉइंट और इस सेंटर ऑफ मास के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको d दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया से बाय एन एंगल थीटा फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये जो सेंटर ऑफ मास जब यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन में होगा जिसमें वर्टिकल लाइन में आपका पिवोट एज वेल एज द सेंटर ऑफ मास अगर सेम लाइन में होंगे तो वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अगर मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया बाय एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने दे दिया थीटा, तो उस केस में इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका अगर हम टॉर्क निकालें अबाउट द पिवोट पी, तो जो टॉर्क आएगा दैट विल बी, मैं यहाँ पर रिस्टोरिंग लिख रहा हूँ, माइनस एम जी, ये डिस्टेंस d है तो d साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर थीटा बहुत छोटा है इज वेरी स्मॉल, उस केस में आपका साइन थीटा विल बिकम थीटा और आप जो टाउ रिस्टोरिंग है उसको लिख सकते हैं आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द पिवोट। तो इसको लिख देते हैं हम आई अबाउट पी इंटू अल्फा is equals to minus mg d theta, because theta is very small, तो यहाँ से alpha हमको मिल गया minus mg d upon I pivot into theta, तो this quantity is your square of the angular frequency, तो हमारा time period क्या हो जाएगा 2 pi under root I p upon mg d। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम। अब इस केस में क्या क्या दे सकते हैं आपको, आपको एक रॉड दे सकते हैं, आपको एक डिस्क दे सकते हैं, उसको पिवोट कर देंगे किसी भी पॉइंट पर उसके ऊपर, तो इस तरह से आपको टाइम पीरियड निकालने को आ सकता है। तो ये तो हो गया फिजिकल पेंडुलम। एक और होता है हमारा टोर्शनल पेंडुलम। तो टोर्शनल पेंडुलम में क्या होता है, तो इस केस में हमारे पास एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और यहाँ पर एक हमारे पास से स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट के सेंटर में बंधी हुई है इस तरह से। मान लो कि एक डिस्क है और डिस्क के सेंटर से वो स्ट्रिंग बंधी हुई है और अब आप इस डिस्क को रोटेट कर सकते हो इस तरह से। तो जैसे ही हम डिस्क को रोटेट करते हैं तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो भी रोटेट होती है, तो जिसके कारण वो एक टोर्शनल फोर्स लगाती है, टोर्शनल एक टॉर्क लगाती है जो कि हमारी मोशन को अपोज करता है। वो जो टॉर्क होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपने कितना इस डिस्क को रोटेट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो के है इसको बोल देते हैं टोर्शनल कॉन्स्टेंट। सो दिस के इज टोर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ स्ट्रिंग। अब जी ये जो टाओ है, जो आपका टॉर्क है, इसको आप लिख सकते हैं आई अल्फा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के अलोंग जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो दैट विल बी आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा, तो यहाँ से अल्फा विल बी माइनस के बाय आई थीटा, तो टाइम पीरियड विल बी टू पाई अंडर रूट आई बाय के। तो इस तरह से टोर्शनल पेंडुलम के केस में भी आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इस तरह से। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी योर डैम्ड ऑसिलेशन। अब डैम्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं थोड़ा इसके बारे में आइडिया लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर SHM में क्या होता है, हमारी एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, पर अगर सपोज हमारे पास फ्रिक्शनल लॉसेज हो रहे हैं, अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है
और यहाँ पर फ्रिक्शन है, उस केस में अगर आप इस ब्लॉक को थोड़ा सा, ये स्प्रिंग को थोड़ा सा इलोंगेट करोगे और इस ब्लॉक को रिलीज करोगे, तो आपका ब्लॉक ऑसिलेट तो करेगा बट उसकी जो ऑसिलेशंस होंगी वो डैम्ड ऑसिलेशंस होंगी इफ देयर इज फ्रिक्शन। तो यहां पर जो ऑसिलेशन होंगे उनको बोल देते हैं डैम्ड ऑसिलेशंस। ओके चलो अब देखते हैं हम डैम्ड ऑसिलेशन। तो डैम्ड ऑसिलेशन में हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है, देर इज अ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इसके साथ एक मास अटैच्ड है जो उसका मास कैपिटल स्मॉल m है। अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में, दैट इज एम जी बाय के, विच इज जिसको मैंने एक्स नॉट बोला है। और अब हमारा जो मास है उसके आसपास एक मीडियम है जो कि विस्कस मीडियम है, जो उसके ऊपर एक फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स होती है, दैट डैम्पिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो अगर आपका ब्लॉक नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो मैंने यहाँ पर दिखाया विद वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर जो डैम्पिंग फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, सो दैट विल बी योर डैम्पिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स होती है दैट इज माइनस बी वी, इसके बराबर होती है। तो अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर जब आपका ब्लॉक मेन पोजिशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट पर है, से एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है, मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट आपकी एक्स है, तब उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं? उसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और डैम्पिंग फोर्स लग रही है। तो ये तो लग गई स्प्रिंग फोर्स, ये लग गई आपकी डैम्पिंग फोर्स और ये रही आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दैट इज द टोटल रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर के एक्स नॉट किसके बराबर है, के एक्स नॉट इज एम जी के बराबर। तो एम जी ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिला, ये टर्म मिली। हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को डी द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया है, और इसी तरह से हमने सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले गए। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट कम्स आउट टू बी दिस। ठीक है, यहाँ पर जो आपका एम्पलीट्यूड है, वी हैव ए ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम। यहाँ पर जो आपका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज वेरिएबल, आप देख सकते हैं कि टाइम का फंक्शन है। नॉर्मली हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है एस एच एम का, वो कांस्टेंट होता है, बट डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाता है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इससे रिलेटेड ये तो आपकी आगे इक्वेशन, तो ये आपको एज इट इज याद रख लेनी है। और यहाँ पर ओमेगा डैश इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पर जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस डैम्प्ड ऑसिलेशन की, दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर एम स्क्वायर। अगर आपका आपकी डैम्पिंग बहुत ही कम है, फॉर वेरी स्मॉल डैम्पिंग, तो ये जो सेकंड टर्म है वो नेग्लिजिबल होगी इन टर्म्स ऑफ दिस टर्म, क्योंकि हमें पता है कि अगर डैम्पिंग जीरो कर दें उस केस में आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। तो अगर हमने इसको कम कर दिया तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। और यहाँ से जब स्मॉल डैम्पिंग है तो हम एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर से। तो हाफ के ए स्क्वायर अगर हम लगा दें तो उस केस में आपका जो एनर्जी होगी इस डैम्ड ऑसिलेशन की वो इस तरह से डिक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, और आप इस तरह से एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिखा सकते हैं। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखने वाली हैं। सबसे पहली तो ये वाली इक्वेशन, पोजिशन की इक्वेशन। दूसरी आपको ये एम्पलीट्यूड याद होना चाहिए। तीसरा आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी याद होनी चाहिए। चौथा आपको ये एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कि एनर्जी आपकी हाफ कितनी कब हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी फ्रॉम टी इक्वल्स टू जीरो, कितने समय में एनर्जी आपकी आधी हो जाएगी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, टी जब जीरो होगा तो इनिशियल एनर्जी बोज हाफ के ए स्क्वायर, और आधी हो जाएगी तो आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके डैम्ड ऑसिलेशन से। तो जो अगला जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज योर फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो अभी तक हमने अभी तक हमने बात कर ली थी हमारी डैम्ड ऑसिलेशन की, तो अब हम बात करने वाले हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, आप खुद अपने आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करोगे आपने क्या फ्रीक्वेंसी देनी है अपने सिस्टम को। तो अगर मेरे पास एक पेंडुलम है इस तरह से, और अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो कुछ समय बाद इसके जो एम्पलीट्यूड है उसका वो कम होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा कि ये एम्पलीट्यूड आपका जीरो हो जाएगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड जीरो हो गया। बट अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ तो मैं इसको एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे जो ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी है दैट विल डिफाइन द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल एजेंट। तो हम इस तरह से फ्रीक्वेंसीज दे सकते हैं। तो यहां पर
फोर्स ऑसिलेशन में हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल एक फोर्स लगाएंगे और यहाँ पर जो हम फोर्स लगाने वाले हैं दैट विल बी पीरियोडिक। तो ये देख सकते हैं आपकी जो फोर्स है वो पीरियोडिक है, वो एक कोसाइन फंक्शन से हम डिफाइन कर रहे हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा डी। सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स जो भी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस ओमेगा डी को हम बोल देते हैं ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी या ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर जब हम ये फोर्स ऐड करते हैं तो आप देखोगे कि जो अभी हमने डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ा था इसमें अब एक और टर्म आ जाएगी दैट इज एफ नॉट कॉस ओमेगा डी। तो ये टर्म आ गई और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, एम डी द सेकेंड डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो दैट सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी दिस। और आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स है यहाँ पे जो पोजीशन है हमारे पार्टिकल की दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है हमारी ऑसिलेशन को। तो यहाँ पर जो आपका एम्पलीट्यूड होगा दैट कम्स आउट टू बी दिस दैट इज एफ नॉट अपॉन एम। डिनोमिनेटर में आपका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा डी अपॉन एम का होल स्क्वायर। और इसमें जो फाइ है हमारे यहाँ पर जो टर्म फाइ आ रही है दैट फाइ इज इक्वल्स टू टेन फाइ ऑफ दैट इज माइनस वी नोट अपॉन ओमेगा डी एक्स नोट। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। और ये एक्स नोट और वी नोट क्या है दैट इज एक्स नोट इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल जब आप फोर्स लगाना शुरू करते हो, वी नोट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब आप फोर्स लगाना शुरू करते हो, और जो टी है टी हम कब से मेजर कर रहे हैं जब आप फोर्स लगाना शुरू करते हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है एक्स क्या होगा आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा और इनिशियल फेज जो हमारा कांस्टेंट है वो कैसे निकालना है यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली अगर डैम्पिंग आपकी स्मॉल है और जो ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी है दैट इज फार अवे फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो सिस्टम था अभी हमने स्प्रिंग की बात करी थी, हमारा एक स्प्रिंग था उसके साथ एक ब्लॉक अटैच था तो इसकी जो हमने फ्रीक्वेंसी की बात करी थी दैट वॉज दिस ये थी। ओके, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, बट अब हमारे पास एक ड्राइवर है जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी को गवर्न कर रहा है। तो इस केस में अगर आपकी डैम्पिंग स्मॉल है तो उस केस में ये जो डिनोमिनेटर में सेकंड टर्म है दैट विल बी नेग्लिजिबल इन टर्म ऑफ दिस टर्म बिकॉज ओमेगा डी इज फार अवे फ्रॉम ओमेगा। तो ये टर्म सब्सटेंशियल है, ये टर्म आपकी नेग्लिजिबल है तो डिनोमिनेटर में ये टर्म खत्म हो जाएगी तो हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ पर आपका ओमेगा इज नियरली आपका जो ओमेगा है डैम्पिंग स्मॉल है तो ओमेगा इज नियरली इक्वल्स टू ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट हमारा कितना है स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम अगर डैम्पिंग कम है। तो अगर डैम्पिंग स्मॉल है और ओमेगा डी बराबर है हमारे ओमेगा नॉट के, बहुत ही क्लोज है अगर ओमेगा नॉट के, तो उस केस में क्या होगा यहां पर मैं ओमेगा लिख देता हूं। इफ डैम्पिंग इज स्मॉल एंड ओमेगा डी इज वेरी क्लोज टू ओमेगा, और अगर मैं डैम्पिंग स्मॉल है तो आप कह सकते हैं ओमेगा इज वेरी क्लोज टू ओमेगा नॉट, तो सिंपली मैं कह सकता हूं ओमेगा डी इज वेरी क्लोज टू ओमेगा नॉट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस केस में आपका जो एम्पलीट्यूड क्या होगा, उस केस में डैम्पिंग अगर स्मॉल है और ओमेगा डी आपका वेरी क्लोज टू ओमेगा है तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, ओमेगा डी इज वेरी क्लोज टू ओमेगा तो दिस टर्म विल गेट जीरो। तो आपके पास डिनोमिनेटर में केवल ये बचेगा और फिर यहाँ से आपके पास एम्पलीट्यूड ये आ जाएगा। सिंस डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, जब आपका डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो सब्सटेंशियली बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस को बोलते हैं रेजोनेंस। तो व्हेन द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस टू अ वेरी हाई वैल्यू इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस कब आता है, व्हेन द ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड कम है कम है कम है, जैसे ही आपके ड्राइवर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर होगी, यहां पर क्या है ओमेगा डी की बात हो रही है, तो जैसे ही आप ओमेगा को बढ़ाएंगे जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो आपका जो एम्पलीट्यूड है तुरंत स्पाइक अप करेगा। सो दैट इज डिफाइंड एज योर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बच्चों ये जो कुछ फॉर्मूलाज हैं इनको याद करना है, इनके डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, तो इनको आपको एज इट इज याद करना है और ये दो केसेस आपको याद रखने हैं।
तो ये बच्चों दिस इज द थ्योरी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कौन कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है जो हमें यूज करने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जो कि क्वेश्चन आते हैं नीट और जेई में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।